निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है 3 मार्च को फांसी दी जाएगी। निर्भया के दोषियों की नई तारीख 3 मार्च। निर्भया केस में नया ये डेथ वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें हालांकि इसके पहले भी डेथ वारंट जारी किया गया था, लेकिन चूंकि कुछ कई कानूनी दांव पेच होते हैं जिसकी वजह से लगातार इन लोगों को कुछ दिनों की राहत मिल रही थी। फिलहाल वो तमाम पूनम शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूनम, नई तारीख 3 मार्च? जी हाँ, 3 मार्च के लिए ये डेथ वारंट तीसरी बार कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि निर्भया के जो चारों दोषी हैं उनको 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दे दी जाए। कोर्ट ने 3 मार्च का समय इसलिए फिक्स किया है क्योंकि 14 दिन का समय उन्होंने रखा है कि अगर कोई भी याचिका इनमें से कोई भी लगाना चाहता है जिसकी अगर पेंडिंग है तो वो लगा सकते हैं। क्योंकि आज सुनवाई के दौरान बताया गया था सरकारी वकील की तरफ से कि 4 में से 3 लोग जो हैं वो क्यूरेटिव और दया याचिका दोनों का ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं और दोनों ही ऑप्शंस में उनको याचिका उनकी सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति के पास से खारिज हो गई है। तो ऐसे में बहुत वक्त कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है, 14 दिन का वक्त दिया गया है। निर्भया के माता पिता बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि हमें लगता है इस बार स्टे नहीं होगा ये और इस बार 3 मार्च को इन सभी को फांसी। पूनम, लेकिन कई मामलों में हम सब ने देखा नई नई तारीखें आ रही हैं जिसको लेकर कई बार निराशा भी झलकी निर्भया की माँ की, कोर्ट में ही फूट फूट कर वो रो पड़ी थी। अब ये जो नई तारीख आई है क्या ये आखिरी तारीख होगी या अभी भी इनके पास विकल्प बाकी है अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, इससे पहले जो 2 बार चित्रा टेस्ट वारंट जारी हुआ था उसमें तब तक क्यूरेटिव और दया याचिका का ऑप्शन जो लोग थे, जो दोषी थे, वो ट्राई नहीं कर पाए थे, यानी याचिकाएं उनकी लंबे थी या फिर लगाने वाले थे। तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं लगता लगेगा क्योंकि इस मामले में पवन को इस मामले में क्यूरेटिव और दया याचिका दाखिल करनी है जबकि अक्षय को सिर्फ दया याचिका अभी लगानी है। तो यानी ये 3 याचिकाएं मोटे तौर पर हैं जिनका निपटारा होना है 2 लोगों की और उसमें कोर्ट ने 14 दिन का समय इसलिए पहले ही दे दिया है। तो ऐसे में लगता है कि इन 14 दिनों में इन याचिकाओं का निपटारा हो जाएगा और इस बार तीसरी बार डेथ वारंट को इससे नहीं करना पड़ेगा। पूनम हमारे साथ बनी रही, अपने दर्शकों को हम बताते हैं 3 मार्च को सुबह 6 बजे दोषियों को फांसी, ये नई तारीख निकलकर सामने आई है। निर्भया के दोषियों की फांसी की ये तारीख अब पक्की हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था 22 तारीख निकलकर सामने आई थी जिसके बाद निर्भया की माँ को उम्मीद थी कि उस दिन फांसी दे दी जाएगी लेकिन फिर मामला टल गया और अब 14 दिनों का ये वक्त, इसके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं क्या सबका पालन कर लिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पूनम लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूनम, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए 3 मार्च को सुबह 6 बजे दोषियों को फांसी की तारीख और ये टाइम का ऐलान किया गया है। आज पूरे दिन कोर्ट के भीतर क्या क्या चला, निर्भया के माँ बाप की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है बताइए जरा। देखिए, अभी निर्भया के माता पिता से हमारी बात हुई, उनके पिता का कहना था कि हम बहुत खुश हैं और सिर्फ ये हमारी जीत नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों की जीत है जिन्होंने हमारे स्ट्रगल में, हमारे संघर्ष में हमारे साथ रहे। और उन्होंने कहा कि इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 मार्च को फांसी हो जाएगी क्योंकि तभी हम लोगों को पूरा न्याय मिल पाएगा। कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उनकी माँ की थी, उन्होंने कहा कि मेरा संघर्ष रंग लाया है और मुझे कोर्ट से न्याय मिल रहा है। तो ऐसे में अब जो तीसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ है उस पर अब पूरे देश की निगाहें होंगी कि इस बार ये जो नया डेथ वारंट जारी हुआ है इसका एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। और कोर्ट ने अभी 14 दिन का समय इसलिए भी दिया है क्योंकि इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को अपना आदेश दिया था जिसमें 1 हफ्ते का समय दिया गया था। तो जिसमें कहा गया था कि 11 फरवरी तक अगर ये याचिका लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और उसके बाद में ऊपर करो मैजोरिटी पिटीशन डिसाइड होना है, अगर उसमें रिलीफ नहीं मिलती है, अगर उसकी जुवेनिलिटी पर रिसीव नहीं रिलीफ नहीं मिलती है तो वो मर्सी पिटीशन पर जाएगा और उसके बाद पोस्ट मर्सी की बात आती। ये सारी लीगल रेमेडीज अभी बाकी है लेकिन कोर्ट ने जो फैसला किया है हम उसके आगे, ये जो हमारी लीगल एमडी है हम उन पर आगे अवेल करेंगे और आगे उसमें प्रोसीड करेंगे। जस्टिस दिखना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, केवल दीवारों पर लिख देने से, अखबारों में, समाचार पत्रों में, रेडियो में लिख देने से एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए गलत है। न्याय होना भी चाहिए। कानूनी विकल्प मौजूद है और इस वजह से पांच को लटक जाए क्योंकि मैं बहुत खुश इसलिए नहीं हूँ कि दो ये तीसरी बार डेट वारंट जारी हो गया है। दो बार कभी नहीं छोड़े, आज भी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि 3 मार्च फाइनल डेट होगा। तो
तो आज डेट दे दिया गया है, एक तसल्ली तो जरूर है। हाँ बिल्कुल तसल्ली है, बिल्कुल तसल्ली है, खुशी भी है कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब रेमडी पूरी हो, कब उनको डेट और एंड निकले, तो फाइनली आज डेट। पहले आपकी नाराजगी भी थी कहीं ना कहीं पटियाला कोर्ट से कि यहाँ पर आपको जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, डेथ वारंट नहीं जारी किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन दे, लेकिन आज का दिन कितना संतुष्टि भरा? मुझे बहुत संतुष्टि है, कई बार होता सिचुएशन ऐसा होता है आके टूटना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं माने, फिर भी हम हार नहीं माने और फाइनली कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, फाइनली एक बार फिर आज डेट वारंट मिल गया है, हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च को वो फांसी पे लटकेगी।